ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है पाकिस्तान की जान तो नहीं छूटी, इंडिया की तो छूट गई है। ठीक है, ये लोग यूके से, वो भी लंदन से आए थे, उन्हीं लोगों ने हमारे पे बरतानिया ने हुकूमत की थी ना कितने हाँ साल, और ये वही लोग वहीं जाते हैं और वहां से यहाँ पे आते हैं, हुकूमत करते हैं, हुकूमत करने के बाद वहां जाते हैं, वहां जाके याशियां करते हैं। जी वो पीटीआई पीपल्स पार्टी नहीं आ गई कि फाइव फेयर इलेक्शन करा दो, पर ये किस मुंह से निकलेंगे बाहर, ये आगे मईशत को संभाल ही नहीं सकेंगे। और इतना प्रोपेगेंडा किया गया मीडिया ने, किया तूफ ऐसे मीडिया के ऊपर बोल दिए। आप ये देखें कि इन लोगों ने जब डॉलर का रेट ऊपर नीचे जा रहा था, सिर्फ उस डॉलर के रेट ऊपर नीचे होने की वजह से सिर्फ बैंकों ने हाँ 65 अरब रुपए का प्रॉफिट लिया है डॉलर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहसिन और मेरे साथ हैं अली जान और आप देख रहे हैं हमसे जानो। हमसे जानो में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 सालों में 5 सालों में कुछ लोग आए, एक हुकूमत आई पीटीआई की और एक आई पीडीएम की, इन 5 सालों के अंदर किसने कितना बेड़ा गर्क किया। इमरान खान का दौर, पीटीआई का मतलब दौर था तकरीबन 3.5 साल का और इनकी हुकूमत का दौर था तकरीबन 1.5 साल का। किसने कितने इन 3.5 सालों में बेड़ा गर्क किया या किसने कितना इन 1.5 सालों में बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, इस बारे में हम बात करेंगे। जी अलीजान, क्या कहेंगे आप? जी मैं इस पे यहाँ से शुरुआत करूँगा कि जो पीडीएम का जो तकरीबन 1.5 साल का दौर रहा है, इसके अंदर अभी तक जो मुख्तलिफ खबरें निकल के आ रही हैं सहाफ़ियों से, उसमें तकरीबन 18 ट्रिलियन अच्छा इन्होंने लोन लिया है आईएमएफ से, 18 ट्रिलियन। और अब आप देखें कि वो 18 ट्रिलियन जो है वो कहाँ यूज हुआ है, एजुकेशन में यूज हुआ कहीं नजर आया आपको? नो नो। हेल्थ में कहीं नजर आया हो? नो नो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे नजर आया हो? नो नो। कहां गया? किसी को कुछ नहीं पता किसने। मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, बताएं आप क्या सिस्टम हुआ इसका। बाबा जी देखो, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, आते हैं 18 ट्रिलियन डॉलर इकट्ठा करते हैं और रफूटा कर लेते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, किसी इदारे ने पूछना, किसी ने नहीं पूछना। तो अभी ये है कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके अंदर ये है कि पीडीएम के गिर जो है घेरा जो है वो तंग हो गया है। और अभी ये लोगों ने क्या जो खबरें न्यूज निकल के आ रही है कि इसहाक डार साहब जो है वो दुबई निकल गए हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले जो भागने वालों में होगा ना वो इसहाक डार ही होगा। भाई वो आया क्यों था? वो इसलिए तो एक मुजरिम को ला के आपने वजीर खजाना बनाया, शाबाश है, इसकी तो क्लैपिंग बनती है। और इसके बाद वो बंदा अभी सारा मामला डबल सैलरियां लेके और पिछली सैलरियां पिछले पूरे टेन्योर की सैलरियां लेके वो बंदा यहाँ पे जो मुजरिम था, साबित अदालतों से जो साबित था कि यार ये बंदा जो है मुजरिम है, अब वो दुबई निकल गया, दुबई से वापस अपने अबाई मुल्क चला जाएगा लंदन और वहां पे जाके दोबारा से बीमार हो जाएगा। देखें कि हमें अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है पाकिस्तान की जान तो नहीं छूटी, इंडिया की तो छूट गई है। ठीक है, ये लोग यूके से, वो भी लंदन से आए थे, उन्हीं लोगों ने हमारे पे बरतानिया ने हुकूमत की थी ना कितने साल, और ये वही लोग वहीं जाते हैं और वहां से यहाँ पे आते हैं, हुकूमत करते हैं, हुकूमत करने के बाद वहां जाते हैं, वहां जाके अय्याशियां करते हैं, मतलब अय्याशियां तो यहाँ पे भी इनकी जारी रहती हैं। तो अभी ये है कि एफआईए ने भी कुछ केसेस खोल दिए इन लोगों के, जिसमें 164 अरब के 5 बड़े स्कैंडल्स हैं इनके। और इसके 164 अरब 164 अरब में जो आम इंसान है ना, वो उसको सिफर भी नहीं पता होगा कि 164 अरब में कितने होते हैं, कितने सिफर। और जिनका वो 5 स्कैंडल है, 164 अरब के 5 स्कैंडल हैं जो के बता रहे हैं कि जी ये खुल गए हैं, एफआईए ने खोल दिए। आप ये देखें कि इन लोगों ने जब डॉलर का रेट ऊपर नीचे जा रहा था, सिर्फ उस डॉलर के रेट ऊपर नीचे होने की वजह से सिर्फ बैंकों ने 65 अरब रुपए का प्रॉफिट लिया है डॉलर के ऊपर। यार अमीर लोग, और ये और सर ये वही बैंक्स हैं, ये वही माफिया है जो कि इसहाक डार जिनको ऑपरेट करता है। परम बात है। और ये सिर्फ हम आपको परफॉर्मेंस जो पीडीएम की बता रहे हैं सिर्फ 1.5 साल की है, 1.5 साल की। जब इमरान खान को उतारा था जबरदस्ती, इमरान खान कह रहा था कि यार मुझे ना हिलाओ, मईशत हिल जाएगी, मैंने मईशत को स्टेबल किया है यहां पे, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के दौर में कितने परसेंट महंगाई थी अलीजान, जो हमारी महंगाई जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, वो सिर्फ 4.3 थी। ठीक है, सिर्फ 4.3 के पीटीआई की हुकूमत में महंगाई हुई थी। और इस पे अलीजान मीडिया ने वावेला इकट्ठा बना दिया कि जी पाकिस्तान तो डूब गया,
एक दो तीन रुपए महंगा, 50 रुपए महंगा हुआ। अगर आप 100-120 रुपए के पेट्रोल को देख लें, इमरान खान 150 पर छोड़ के गया था, आज 290 रुपए की उसकी बिक रहा है वो माल बीच में पेट्रोल। सर आप ये देखें मोहसिन, आप ये देखें कौन कौन बोल रहा है मीडिया पे, मीडिया पे, मीडिया पे कौन बोल रहा है इतनी महंगाई, सारा मीडिया बिका हुआ है। आप ये देखें लोगों ने, सॉरी बिका हुआ नहीं है, मजबूरियां होती हैं मजबूर, हाँ वो असल में दूसरी तरफ आगे। अब ये बात है कि इन लोगों ने ना तो सैलाब मुतासरीन को छोड़ा, ना इन्होंने आटे की स्कीमों को छोड़ा। आटे की स्कीम पे जो न्यूज आ रही थी, जो खबरें आई थी कि 20 अरब रुपए का तो सिर्फ जो आटे की स्कीम के ऊपर इन्होंने गबन किया, उसके बाद मोटरवे की जो जमीन खरीद रही थी 32 अरब रुपए का, उसके ऊपर स्कैंडल आई थी। अब निगरान सेटअप आया, काकड़ साहब ने अभी जो अपनी कबीना के साथ जो मीटिंग सीटिंग की है उसमें उन्होंने यही ऐलान किया कि भाई किसी के साथ नरम गोशा नहीं रखा जाएगा, कानून सबके लिए जो है वो बराबर रखा जाएगा। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, अच्छा मतलब उनका वियर क्लियर है, उनको पता है कि यार हम किस लिए आए हैं, हमने क्या करना है, और वो फेयर एंड फाइन इलेक्शन करवाने का उनका फिलहाल जेल लग रहा है। वो पीटीआई पीपल्स पार्टी नहीं आ गई कि भाई फेयर इलेक्शन करा दो, ये किस मुंह से निकलेंगे बाहर, देखे ना इमरान खान को हटाया जब इन्होंने, इन्हें तो चाहिए था उसके बाद जी जनरल इलेक्शन की कॉल देते, तब ये लोग सारे किसी के पीछे छुप रहे थे कि जी नहीं नहीं नहीं, और अब मिंत तरलों पे आए हुए हैं जी के पाजी किसी तरीके ना इलेक्शन करा लो, क्योंकि सबका नंबर आएगा, सब पड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम पीटीआई की, कि पीटीआई ने क्या किया। पीटीआई के जो पहला साल जो था उसके अंदर 33 रुपए का इजाफा हुआ डॉलर के अंदर, ठीक है, 33 रुपए का इजाफे के अंदर पीटीआई की हुकूमत को इतना वावेला मचाया गया कि जी ये नकारा हुकूमत है, इनको कुछ नहीं आता करने का, और इन ये आगे मईशत को संभाल ही नहीं सकेंगे, और इतना प्रोपेगेंडा किया गया मीडिया ने किया, तूफ है ऐसे मीडिया के ऊपर, लेकिन क्या करें उनकी भी जुबानें बंद करवा चुके हैं, तो इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर था कि वो नहीं बोल पा रहे अभी तक, अभी तक नहीं बोल पा रहे। पीटीआई की हुकूमत में जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो 3.1% से ग्रो कर रही थी, और मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 3.5 साल में हुआ, सबसे ज्यादा 3 साल में एक्सपोर्ट हुई, कि लोगों के पास रॉ मटेरियल्स ही नहीं थे, लोगों के पास जो मैन पावर होती है जो मजदूर वो कम पड़ गए थे। इन 3.5 सालों के अंदर 3.5% से इंक्रीज हो गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई, लेकिन साथ में जब हमारी माशाल्लाह पीडीएमआई जीडीपी 0.3% आ गया, गिर गया नीचे, और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो 0.8% पे आ गई, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स है, मैन्युफैक्चरर्स एक कॉस्ट निकालते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक कॉस्ट निकालता है, उसका बिजली रॉ मटेरियल आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके गैस इन तमाम चीज़ों को मैयर करके, और जो मुल्की हालात थोड़े से डॉलर के ऊपर कंपैरिजन किया जाए तो फिर उसके बाद वो जाके बाहर के मुल्क में जाके बेचने का निकालता है एक के कितने डॉलर पे बेचा जाए, जो मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा था पाकिस्तान, अब विद इन 1.3 ईयर्स के बीच में, उनके 1.5 साल के बीच में हमारी वो डॉलर ज्यादा होने की बेस के ऊपर 310 तक पहुंच गया, उसकी बेस के ऊपर हमारा जो कंपीट है ना, जो एक डॉलर बाहर फॉर एग्जांपल 2 रुपए का मिलता है ना, तो हमारी वो कॉस्ट ही नहीं पड़ती 2 डॉलर की, बाहर 2 डॉलर का मिलता है, हमारे पास 2 डॉलर की कॉस्ट नहीं पड़ती, तो प्रॉफिट कैसे लेंगे। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी, ये वजह थी सबसे बड़ी कि मैन्युफैक्चरिंग बंद होने की। आप हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताएं कि कौन सी हुकूमत कितनी हुकूमत कितनी अच्छी चली, इमरान खान के सिर्फ 3.5 साल या 1.5 साल ये और 35 साल पुराने, इतनी एक्सपीरियंस हुकूमत ने जो मुल्क की हालात की है, ये इसकी वजह क्या थी, क्या सिर्फ अपने केसेस बचाने और मुल्क को लूटने के लिए आए थे चले गए, लाजमी बताइएगा। अल्लाह।